पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा जो इस वक्त स्मोग है वो सिर्फ लाहौर में, लाहौर इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। अगर भट्टा चलेगा तो सिर्फ ज़िगज़ैग पे चलेगा। आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट बेसिकली स्मोक को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ऐसी इंडस्ट्री जो किसी भी सूरत कंप्लायंट नहीं होना चाह रही, कोई भी वॉयलेशन करता उसको सील कर दिया जाता है और वो टिल द एंड ऑफ स्मोक सीजन तक वो बंद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शमशा आवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ के आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। मेरे ख्याल में रिमशा सर्दियाँ आ चुकी हैं और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो स्मोक भी साथ में बढ़ना शुरू हो जाती है और इसके जो असरात हैं वो बहुत बुरे होते हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ लाहक होती हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू है, इस पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो इस हवाले से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि स्मोक पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है और इसकी वजूहात क्या है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अली एजाज जो कि डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट है, उनके प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये स्मोक की वजूहात क्या है, ये किस बिना पर आती है, ये कैसे पैदा होती है? स्मोक बेसिकली कम्बिनेशन है स्मोक का और फोक का, जो स्मोक का वर्ड जिधर से क्रिएट किया गया, एस एम फ्रॉम स्मोक, ओ जी फ्रॉम फोक, ठीक है, स्मोक इसको कहते हैं। बेसिकली जब सर्दियाँ आती हैं तो वो जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम जनरली धुंध की शक्ल में देखते हैं, मगर जब उसमें इंडस्ट्रीज़ का, स्टबल बर्निंग का, गाड़ियों का धुआं शामिल हो जाता है तो वो एक स्मोक की सिचुएशन इख्तियार कर लेता है। फोक तो एक नेचुरल फिनोमेना है, मिलियंस ऑफ ईयर से हो रहा है, मगर जो स्मोक है वो रिसेंटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद स्टार्ट हुआ है। सही। और इसको हमने यूरोप में 1917 में या 1900 के राउंड अबाउट देखा, उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए, इंग्लैंड में ये सबसे पहले फिनोमिना हुआ और काफ़ी डेथ्स भी रिपोर्ट हुई उसकी वजह से। पाकिस्तान में भी पास्ट 3 or 4 ईयर से क्लाइमेट चेंज की वजह से ये फिनोमिना देखा जा रहा है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल इमिशंस में कोई शेयर इतना ज़्यादा तो नहीं है इंडस्ट्री में, मगर टॉप 10 कंट्रीज़ हैं क्लाइमेट के चेंज से इफेक्टेड, उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है। और स्टबल बर्निंग जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है और चूंकि लाहौर बिल्कुल आपके बॉर्डर रीजन पे आता है और साथ अमृतसर पूरा रेड नज़र आता है, अगर सेटेलाइट पे देखें तो बैडली हिट होता है हर साल स्मोक के साथ, और ये फिनोमेना रिपीट हो रहा है बार 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 बार। मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त स्मोक है वो सिर्फ लाहौर में, लाहौर इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है और बीच में कोई बफर एरिया नहीं है। सही। अगर आप फैसलाबाद देख लें वो भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मगर वो इतना बैडली इम्पेक्ट नहीं आता क्योंकि बफर रीजन आ जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया के साथ। और स्टबल बर्निंग पाकिस्तान में तो बड़ी अच्छी डेजिग्नेशन है, एनफोर्समेंट है, मगर इंडियन साइड पे हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा मुझे इजाज़ साहब बताइएगा कि आम जो धुंध है और स्मोक है उसमें फ़र्क कैसे पहचाना जा सकता है? उसका कलर आप देखें ना, अगर धुंध है तो वो सफ़ेद होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्लैकिश और येलोइश आपका इसको कलर इसका नज़र आएगा, ठीक है, या धुएँ की तरह जैसे होता है काला सा, और उसके बाद अगर आपको सफ़ेद कपड़ा रखेंगे तो वो थोड़ी देर बाद ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इससे आपको फिर आपकी आंखों में चुभन है, एक बर्निंग की स्मेल आपको फील होती है इसके अंदर, एक स्नीजिंग भी बहुत होती है जब बाहर निकलते हैं, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा ये पार्टिकुलेट मैटर है वो आपके लंग्स में सेटल होता है, तो स्नीजिंग इज द प्रोसेस के वो उसको थ्रू आउट करना चाहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कफिंग एंड स्नीजिंग के वो उसको थ्रू आउट करना चाहती है, बॉडी रिमूव करना चाहती है उसको, ये एक प्रोसेस है, इस वजह से ये कॉज होता है। ओके ओके, तो और कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि आप कहते हैं कि स्मोक की वजह से स्पेशली कॉज होती है? स्मोक से जो आई इरीटेशन है, जब किसी को अगर आईज का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो ज़ाहिर बढ़ जाता है, दैन स्किन पे इसका बुरा इम्पैक्ट आता है, फिर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है लंग्स को, ये लंग्स के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर सेटल हो जाते हैं तो वो रिमूव करने के लिए जो है उसको कफिंग करनी पड़ती है, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो इसकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक हो गया। तो आपने बात की वजूहात की, हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपने बताया कि एक तो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स जो होती हैं, इसके अलावा ये जो आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ है जो स्मोक वहाँ से निकलती है, इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकती है स्मोक पैदा होने की? जो रिसेंटली अभी स्टडी है इसके ऊपर इस एरिया में, कोई ज़्यादा अरसे से तो हुआ नहीं, कोई 3-4 साल पहले का फिनोमेना, स्टडीज़ अभी इस पर हो रही हैं, जो बाकी दुनिया की प्रैक्टिस है और इसको कंपेयर किया गया अपने रीजन के साथ तो इसकी ये रेशो निकली कि अबाउट 43% आई हमारी वेकुलर एमिशन, 20% स्टबल बर्निंग आ गया, सही, और 25% इंडस्ट्रियल इमिशन आ गया, और 12% जो हमारे पावर प्लांट्स हैं पंजाब में लगे हुए जो कि थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी इमिशंस ये आई, ये यूएन ने 2018 में आई थिंक स्टडी किया, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये परसेंटेज निकाली, मगर हमारा रीजन चूंकि चेंज है थोड़ा सा
और इसके फिनोमिनाज भी चेंज हैं, चूँकि इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड पे रख के किया गया, तो माइट भी ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है इसके। ठीक हो गया। अच्छा लिए जैसा भी, ये मुझे बताइए कि बात हम अक्सर करते हैं कि ईंटों की भट्टों से जो धुआं निकलता है उसके भी स्मोक का बायस बनते हैं वो, तो अब जो गवर्नमेंट है और अब जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो ईंटों के भट्टों की तरफ आ रहे हैं, तो ये कहाँ तक ये प्रोसेस हो चुका है, कितनी देर में कम्प्लीट हो जाएगा? अच्छा, ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अब मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हमने देखा है। इंडिया में इसको किया जा रहा है इम्प्लीमेंट, नेपाल में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये एक नया किस्म का भट्ठा नहीं है, उसी भट्ठे को कन्वर्ट कर दिया जाता है ज़िगज़ैग में। ये ईंटें रखने का एक पैटर्न है जिसमें पहले स्ट्रेट लाइन आप करते थे बुलेट ट्रेंच में, इसमें ज़िगज़ैग पैटर्न पर ईंटें रखी जाती हैं। उसकी वजह से हीट रिकवरी ज़्यादा होती है और 50% जो कोल है वो कम यूज़ होता है। जब 50% फ्यूल कम यूज़ होगा तो ऑटोमेटिकली 50% एमिशंस रिड्यूस, इसकी रेशो कम हो जाएगी, एमिशंस कम होगी ना। जब आपने फ्यूल कम यूज़ किया तो धुआं भी कम निकलेगा, जाहिर है। उसका लॉन्ग ट्रैवलिंग पाथ है तो पार्टिकुलेट मैटर सेटल हो जाता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट इसको जो है रिकमेंड कर रही है। इस टाइम लाहौर में अगर देखें तो 70% भट्ठे जो है वो ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट हो चुके हैं, और 70% के बाद जो बाकी भट्ठे हैं वो अब हमने बंद कर दिए हैं। ठीक है, अगर कोई चला रहा है तो हम एक तो उसका फायर जो है फोर्सफुली बंद करवा रहे हैं, उसके ऊपर FIRs भी की जा रही हैं, और ये भट्ठे अब चलेंगे नहीं पूरे पंजाब में। इसमें हाई कोर्ट का भी बड़ा अच्छा डिसीजन है, और जो क्लाइमेटी डिक्लेयर करने के बाद PDM ने EPA के तो पहले के नोटिफिकेशन आ रहे थे, उन्होंने भी इसको स्ट्रेंथ किया है, और 31 दिसंबर के बाद भी पुराने भट्ठे नहीं चलेंगे। अगर भट्ठा चलेगा तो सिर्फ ज़िगज़ैग पे चलेगा। ज़िगज़ैग भट्ठे स्मोक सीजन में भी अलाउ हैं चलना। अच्छा, अली जा सब मुझे ये बताएंगे, कहा जाता है कि जो बारिश है वो कमी लाएगी, उसके असरात कम करेगी, क्या वाकई ऐसा है, यही सिर्फ मिथ है कि बारिश होने से एक इन्वायरमेंट क्लियर, हमने देखा भी ऑब्जर्व किया हालिया बारिश हुई, तो वाकई इसके असरात को कम किया जा सकता है बारिश के थ्रू, और इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसीजर जिससे आप जो है स्मोक के असरात को कम कर सकते हैं? बारिश के साथ बिल्कुल ये कम होता है, क्योंकि बारिश में जब आप देखते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर जिसे डस्ट भी हम कह लेते हैं आम जबान में, वो सेटल डाउन हो जाता है, और मेजर इन्ग्रीडियंट पार्टिकुलेट मैटर है, उसके बाद सॉक्सीज या नॉक्सीज आ जाते हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होकर स्मोक बन जाता है। जब बारिश होता है तो ये सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं बारिश के पानी में और सेटल डाउन हो जाते हैं, और हमें फ्रेश एयर मिल जाता है उसके बाद। देन आफ्टर जो रेनफॉल है वो फिर मिट्टी ड्राई होना शुरू हो जाती है, एमिशंस एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, और ये मगर होपफुली इस दफ़ा इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं होगी, बड़े अच्छे टाइम पर ये बारिश हुई है। स्टबल बर्निंग ऑलमोस्ट एंड हो रही है इंडिया में भी, तो वो जो इम्पैक्ट था और वो सारा क्वालिटी जो इंडेक्स है वो काफ़ी कम आया है, 3-4 दिन हाँ, पहले काफ़ी ज़्यादा था, वो आपको 300 क्रॉस कर गया था, मगर इस टाइम वो 100 से 150 के दरमियान वो कर रहा है वेरी। अच्छा लीजिए सब, मुझे ये बताइएगा कि आप दूसरे अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल रेन का प्रोसीजर करते हैं, अगर इन्वायरमेंट ज़्यादा पोल्यूटेड है तो वो एक स्प्रे करते हैं, कोई आपको तो ज़्यादा मसनू बारिश, क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसे कोई इक्विप्ड है वेल इक्विप्ड कि आप इस तरह का कोई प्रोसीजर अपनी तरफ से इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट करवा सके ताकि इन्वायरमेंट को क्लीन किया जा सके? आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट बेसिकली स्मोक को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट है कि जिधर कोई कहत है या बारिश नहीं हो रही उस जगह पे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन इसमें इफेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक पूरा रीजन अगर आप सेटेलाइट इमेज देखें तो वो फ्रॉम कोलकाता टू काबुल तक नज़र आता है इनका। इतने बड़े रीजन में आर्टिफिशियल रेन करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, वो बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। उसके लिए जो दुनिया में जो प्रोसीजर बीजिंग में या यूरोप में किया जा रहा है, स्मोक फ्री टावर्स हैं। अच्छा, वो एक ऐसे टावर्स हैं कि वो एयर सक करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसको करते हैं, और देन प्लेट्स लगी हैं जिनके ऊपर स्टिक करके पार्टिकुलेट मैटर सेटल डाउन हो जाता है और क्लीन एयर उसमें से बाहर आ जाती है। तो उसके ऊपर काम स्टार्ट किया है अभी, हाईकोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को उसमें डायरेक्शन दिया कि विद इन 6 मंथ लोकल लेवल पे इसको डेवलप किया जाए। और वो राउंड अबाउट 1 किलोमीटर² ऑफ एरिया जो है वो क्लियर कर देता है एक टावर। जो इम्पोर्ट हम करना चाह रहे थे वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, कोई 1.5-2 करोड़ के राउंड अबाउट थे, मगर अगर लोकल लेवल पर डिवेलप हो जाए तो ये बड़ा अच्छा होगा फिनोमेना। बीजिंग में उन्होंने पार्क्स में, स्कूल्स में और ऐसी जगह जिधर गैदरिंग थी उधर लगा के उस एरिए को उन्होंने क्लियर किया। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम चाह रहे हैं कि लाहौर में भी रख लिया। ठीक हो गया। अली जा साहब, आपने एक तो बता दिया ये जो टावर वाला एक प्रोसीजर है, इसके अलावा कौन कौन से इकदाम किए जा रहे हैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से स्मोक को कंट्रोल करने के लिए? वेल, ये टावर का कॉन्सेप्ट तो इस टाइम है जब वो फिनोमिना आकर हो जाता है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ये करना चाह रहा है कि इसको रिड्यूस किया जा सके एमिशंस को कंट्रोल करके।
उसमें एक तो हम हर इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि वो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल करें, कुछ पे ड्राई स्क्रबर्स चाहिए, कुछ पे वेट स्क्रबर्स चाहिए, कुछ पे डीसल्फराइजेशन यूनिट्स चाहिए, डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट इज़, तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सेकंड हमें इशू आता है कि बाज़ इंडस्ट्री में इक्विपमेंट लगे हैं वो कोई उसकी मेंटेनेंस की वजह से या कोई सेविंग की वजह से वो चलाते नहीं हैं, यूजली नाइट टाइम जो फिनोमेना होता है, तो एक तो स्पेशल नाइट टाइम स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं इसके ओके वो देखें, और थर्डली हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कैमराज इंस्टॉल हो जाएँ, CCTV कैमराज आ जाएँ, ऑनलाइन एक्सेस हमारे पास आ जाए, EPA के पास आ जाए, और EPA 24 आवर मॉनिटरिंग कर सके, जैसे आप सेफ सिटी में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वो किया भी जा रहा है। बिल्कुल, तो वो सेम फिनोमेना हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री के ऊपर भी एक इसी तरह कंट्रोल रूम बन जाए, और उसमें हम मिनिमम कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर इंडस्ट्री वाला खुद अपने कैमराज लगाएगा तो मेंटेन भी वो खुद ही करेगा, गवर्नमेंट को उसको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक स्क्रीन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा देखने के लिए, और वो हम मेंटेन करेंगे। उसके बाद सारी इंडस्ट्री जितनी लाहौर की एमिशंस हैं उसमें हम चाह रहे हैं कि कैमरा लगते हैं, अराउंड अबाउट पे 40 के करीब अभी तक हमने लगा लिए हैं ये लास्ट 15 डेज़ में, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम इसको होप देख रहे हैं। अगर कोई वायलेशन करता है आप उसको जुर्माने भी कर रहे हैं? नहीं, हम उस पर फाइन नहीं अभी कर रहे हैं, हम उस पर FIRs दे रहे हैं, फाइन जो है वो कोर्ट्स करती हैं, ठीक है, या उस पर सीलिंग की जा रही है। ऐसी इंडस्ट्री जो किसी भी सूरत कंप्लाइंट नहीं होना चाह रही उसको भी वायलेशन करता है उसको सील कर दिया जाता है, और वो टिल द एंड ऑफ स्मोक सीजन तक वो बंद रहेंगे। थैंक यू सो मच अली, जो आपने हमने कीमती वक्त दिया और आवाम को बताया कि कैसे जो है हम असरात कम कर सकते हैं इसके स्मोक के, और कैसे इससे बचा जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो है हमें इजाज़त दीजिए, और आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।